नॉमिनेशन करके आप अभी निकल रहे हैं, क्या माहौल है? जिस तरह से हम सपोर्ट देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत भारी मत से विजय प्राप्त होगी। दोनों के बीच में आप कैसे अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और कैसे इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सत्य का विजय होता है लेकिन थोड़ा परेशानी होता है, लेट होता है। कितने पूंजीपति है लेकिन हमारे सामने टिकने वाले नहीं है। हजारीबाग लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोट से विजय प्राप्त करने का उम्मीद रख रहे हैं। कुंज बिहारी साहू नॉमिनेशन करने आए थे, डीसी कार्यालय है मेरे पीछे, नॉमिनेशन करके निकले हैं, क्या कहेंगे कुंज बिहारी जी? नॉमिनेशन करके आप अभी निकल रहे हैं, क्या माहौल है? मुझे बहुत खुशी हुआ है कि आज नॉमिनेशन हमने किया और जनता का भारी सपोर्ट है और जिस तरह से हम सपोर्ट देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत भारी मत से विजय प्राप्त होगी। एक तरफ जेपी भाई पटेल हैं, उस दोनों के बीच में आप कैसे अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और कैसे इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सत्य का विजय होता है लेकिन थोड़ा परेशानी होता है, लेट होता है। कितने पूंजीपति है लेकिन हमारे सामने टिकने वाले नहीं है, क्योंकि हमें हजारीबाग लोकसभा के जनता ने हमें प्रेरित किया कि चुनाव लड़िए और उन्होंने आर्थिक सामाजिक सहयोग देने की बात कही है और जहां सहयोग देंगे तो श्योर है कि हम जीत सुनिश्चित होगा और लगभग मैं हजारीबाग लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोट से विजय प्राप्त करने का उम्मीद रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, ये कुंज बिहारी साहू थे जो अभी नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं हजारीबाग डीसी कार्यालय से।